look at me. सो ही गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का नई वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। गाइस मैं जानता हूँ ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा ओल्ड हो गया, बिकॉज मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता है। क्योंकि आपने पहले वीडियो देखा हुआ था, पहला का वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा, शायद इसमें भी थोड़ा थोड़ा होगा। तो नॉइस की वजह से मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाता हूँ, तो यार इसलिए थोड़ा सा लेट मैं ट्रेन में लेके आता हूँ, बट क्या कर सकते हैं गाइस। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो एडिट करने के लिए लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 9x16 के साइज में, और आपको प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से अपनी फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो गाइस ये वीडियो जो मैं अपनी फोटो के साथ बनाने वाला हूँ, यानी कि इस वीडियो में मैं अपना फोटो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ पहले, तो मैं इस वाले फोटो को ऐड करूँगा। अब फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, और शेयर के आइकन पे क्लिक करके क्रिएटिव फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। फोटो को सेव करना है, इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। तो मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है, एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और इधर एक और मतलब अपना वाला फोटो यूज कर लेता हूँ इस फोटो को, एंड ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एच पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। तो आपको ये टोटल 4 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। ओके, ध्यान से आप 4 फोटो को क्रॉप करके जो यहाँ पे सेव कर लेना। तो मेरा ये स्पेशल फोटो था इधर रखा हुआ था, इसको भी मैं कॉपी मतलब क्रॉप कर लेता हूँ। तो टोटल मेरा 4 फोटो क्रॉप हो गया है। तो आपको यहाँ पे 4 फोटो को क्रॉप कर लेना है, फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है इस प्रोजेक्ट से, और बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, सो यार गाइस, अगर आपको बिटमार्क डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेक कर लेना, हाउ टू डाउनलोड बिटमार्क से, फिर वो वीडियो फेलिंग फॉर यू वाला वीडियो है, तो चेकआउट कर लेना। उसके प्रीव्यू के बाद मतलब उस वीडियो में जो आपको प्रीव्यू दिखेगा, उस प्रीव्यू देखने के बाद आप देख लेना, उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से आपको बिटमार्क डाउनलोड करना है। ओके, तो आपको यहाँ पर स्लाइड करके सबसे पहले नीचे आना है बिटमार्क में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो 1, तो आपको इस फोटो 1 पे क्लिक करना है। तो इसमें कोई भी फ़ोन यूज नहीं होगा, ये डिफ़ॉल्ट फ़ोन है। तो आपको फोटो 1 पे क्लिक करना है, और कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, आपने जो 4 फोटो को क्रॉप किया उसमें से पहला किसी भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ओके, एंड सेलेक्ट करके आगे जाना है। अब जैसे यहाँ पे आ जाओगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है 3 सेकंड पे आपको इस प्रकार से वो लेयर दिखाई देगा। इस लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, सेकंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार फिर लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 4 लेयर में सेम फोटो को ऐड करना है, जो भी आपका सेकंड फोटो आप जो भी यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको डबल हिट मार्क दिखाई देगा 5 सेकंड पे, 5.20 सेकंड पे। इसके आगे आपको क्या करना है, फोटो को चेंज कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फोटो को चेंज कर देना है। फोटो एड करने का प्रोसेस सेम है। ओके, तो ध्यान से देख लो, लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। ओके, मेरा इसमें फेस ही कट गया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, आप कर सकते हो इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मूव एंड ट्रांजिशन पे क्लिक करके इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। बट मैं जो है इसको रिमूव कर दूंगा एंड फिर से इसको लगा दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा इस प्रकार से। तो इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सही से, वो आप कर नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, मेरे को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको स्लाइड करके आगे जाना है, इसी प्रकार से फोटो को ऐड करते रहना है, और जैसे डबल हिट मार्क आएगा फिर से आपको फोटो को चेंज कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से अब मेरा जो डबल हिट मार्क आ गया है, मैं यहाँ पे फोटो को चेंज कर दूंगा। इधर ही मेरा फेस कट रहा है तो कटने दो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इधर मैंने फोटो को चेंज कर दिया, और यहाँ पर इस फोटो को मैंने ऐड कर लिया, और इसको तो मैंने पहले भी ऐड किया, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, इससे कि आप लोग देख सकते हो। तो लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर जाए। तो ध्यान से देखना, जहाँ पे डबल हिट मार्क है वहाँ पे आपको फोटो चेंज कर देना है, बाकी इधर सेम सेम फोटो को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 9 सेकंड तक फोटो ऐड करना है। इधर जो 3 लेयर बच गया है इसको छोड़ देना, 3 या 4 लेयर है इसको चारों को छोड़ देना लास्ट में, ये फ्लैश है। ओके, सभी को छोड़ देना। इस प्रकार से आपका वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही,
आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।